हेलो दोस्तों, इंडिया गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिए। आज का वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, नम्रता पटेल को। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा श्रीमती नम्रता पटेल को जांजगीर चांपा जिले की बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। समिति में श्री मुरलीधर चंद्रम और सुश्री संतोषी राठौर को सदस्य नियुक्त किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उक्त आशाएँ की आदेश 2 नवंबर को जारी कर दिया गया है। अब किस जिले में किया गया है, तो जांजगीर चांपा। अब जांजगीर चांपा की बात आई है तो जांजगीर चांपा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जांजगीर चांपा की स्थापना 1998, मुख्यालय जांजगीर। जांजगीर का प्राचीन नाम जलालपुर जलाल देव प्रथम द्वारा नाम रखा गया है। मातृत्व जिला बिलासपुर, बिलासपुर से पृथक करके जांजगीर चांपा का निर्माण किया गया है। चांपा किस नदी के किनारे बसा है, तो हसदू नदी के किनारे बसा है। चांपा का पुराना नाम, प्राचीन नाम मदनपुर। हसदू नदी उद्गम कोरिया जिले से हुआ है। रामगढ़ के कैमूर पहाड़ी प्रदेश की सबसे ऊंची मिनी माता बैंको कहाँ है, तो यही है। हसदू बांगो बांग की कितने मीटर है, तो 87 मीटर। बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण कोरबा माचा टोली में प्रदेश के प्रथम जल विद्युत परियोजना, जल से कितने मेगावाट, तो 120 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जाता है। जांजगीर चांपा जिला सर्वाधिक तहसील वाला जिला है। जांजगीर चांपा केवल तहसील है, विकासखंड नहीं। पर्यटन ऐतिहासिक कोटमी सोनार, कोटमी सोनार में मगरमच्छों का तालाब है, उसी को क्रोकोडाइल पार्क कहा जाता है। घड़ियाल प्राकृतिक रूप से संरक्षित यही किया जाता है। कोडगांव छत्तीसगढ़ की एक शक्ति, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में से एक रियासत है और प्रदेश की सबसे छोटी रियासत शक्ति रियासत है। खरौद रामायणकालीन स्थल खरदूषण वध की घटना, प्राचीन नाम इंद्रपुर छत्तीसगढ़ का काशी वाराणसी कहा जाता है। लक्ष्मीदास मंदिर गर्भगृह शिवलिंग निर्मित, सूर्यनारायण रामकालीन स्थित विशाल वट वृक्ष, नरनारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, माघ पूर्णिमा में सूर्यनारायण में मेला लगता है। श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय सबरी के जूठे पेड़ यहीं खाए थे सूर्यनारायण में। किरारी गांव सातवाहन कालीन काष्ठ स्तंभ बालपुर सहित साहित्य का तीर्थ रहा है। लोचन प्रसाद पांडे छत्तीसगढ़ का प्रथम नाट्यकार कलिकाल। मुकुटधर पांडे छायावादी काव्य धारा के जनक कुर्ति के प्रति। बंसीधर पांडे प्रथम छत्तीसगढ़ उपन्यासकार हीरू के कहनी का जन्म स्थल। दमाऊ धारा महाभारत कालीन स्थल, गुंजी सातवाहन कालीन शासक कुमार गुप्त वरदंत श्री शिलालेख जैन धर्म का प्रथम तीर्थ ऋषभ देव के साक्ष। दाहला पहाड़ अकलतरा नागपंचमी में मेला लगता है। पीथमपुर प्राचीन शिव मंदिर, कलेश्वर महादेव का मंदिर किस नदी किनारे बसता है,
हसदो नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर शिव शंकर का मेला लगता है। चंद्रपुर में महानदी मानदी ताल लात नदी का संगम स्थल है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्टर को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के मंदिरों में भाई बहन का एक साथ प्रवेश वर्जित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आरंग। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 36 किलोमीटर दूर स्थित प्राचीन नगर आरंग, इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ भांड देवल एक ऐसा मंदिर है जहाँ भाई बहन एक साथ प्रवेश वर्जित है। 1000 साल से अधिक पुराने इस मंदिर में महिलाओं ने कभी भी पूजा अर्चना नहीं की है। कहाँ नहीं की है? तो आरंग में नहीं की। आरंग किस जिले से संबंधित है? तो रायपुर से। अब रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861। मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो खारून नदी के किनारे रायपुर बसता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 में रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन तथा प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र। ट्राईपोर्ट सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोर्ट जोन। भानपुरी अप्रैल पार्क। राव भाटा मेटल पार्क। तिलदा राइस कॉम्प्लेक्स पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ हैं? तो तिलदा में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर कुबेर भाटा और राखी गांव। जैन सेंट ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन। आईटी पार्क आईआईटी स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम में स्थित है। परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम नागार्जुन कृष्णक्सन हैदराबाद द्वारा निर्मित किया गया है। प्रमुख संस्थान की बात करते हैं रायपुर में NIT रायपुर, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक महाविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर, भारतीय प्रबंधक संस्थान IIM रायपुर, मेट्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंग, पुरखौती मुक्तगंज। राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास किया है। चंद्रखुरी कौशल्या माता भारत का एकमात्र हाटकेश्वर मंदिर रायपुर जो कि खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश में धान की खरीदी कब से प्रारंभ की जा रही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 दिसंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी प्रारंभ हो जाए। क्वेश्चन की स्पष्टीकरण देखते हैं। 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जाएगी, किस योजना के तहत की जाएगी? तो राजीव गांधी न्याय योजना के तहत इस वर्ष का धान खरीदी जाएगी। कितना? प्रति क्विंटल 2500 रुपये। किस योजना के तहत? राजीव गांधी न्याय योजना के तहत राज्य में केंद्र समर्थन मूल्य पर 1 दिसंबर से धान की खरीदी प्रति एकड़ 15 क्विंटल के आधार पर लिया जाएगा। जो पिछले वर्ष में भी 15 क्विंटल के हिसाब से लिया गया है। प्रदेश में इस वर्ष 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और इस वर्ष प्लास्टिक के बोरों का भी उपयोग किया जाएगा। से आप इमेज में देख सकते हैं, धान को रखने के लिए प्लास्टिक के बोरों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। से आप इमेज में देख सकते हैं। तो सरकार ने यह निर्णय लिया है
कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 1 दिसंबर से प्रारंभ कर दी जाएगी। 1 क्विंटल 2500 रुपये प्रति एकड़ 15 क्विंटल के दर से लिया जाएगा। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से आपको हेल्पफुल मिला हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।